वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो जाती है, जिससे वो बच्चे और उनके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बच्चों के निमोनिया को ठीक करने के लिए काफ़ी सारा इलाज भी कराते हैं, लेकिन भाइयों, काफ़ी बच्चों को इलाज कराने के बाद भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है, जिससे उन बच्चों को और उनके माता पिता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बच्चों के भयंकर निमोनिया को ठीक करने का सही इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन बच्चों की उम्र 1 साल से ऊपर है और उनको निमोनिया हो गया है, उन सभी बच्चों को मैं इस दवा का प्रयोग करना होता है। तो आपको एक सस्पेंशन को लेना होता है, जिसका नाम है मोनोसेफ OCB। ये 50 mg में आता है। आपको इस सस्पेंशन को 5 ml सुबह और 5 ml शाम को पिलाना होता है। फिर आपको एक दूसरा सस्पेंशन लेना होता है, जिसका नाम है क्रोसिन। ये 120 में आता है। इस सस्पेंशन को आपको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर को, 5 ml शाम को पिलाना होता है। भाइयों, इन दोनों दवाइयों का प्रयोग आपको जब तक करना है जब तक आपके बच्चे का निमोनिया पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जब आपके बच्चे को फ़ायदा मिल जाए तो आप इस दवा को पूरी तरह से बंद करा दें। इस दवाई के साथ में आपको एक तेल भी लेना होता है, जिसका नाम है रूमालिया। इस तेल को आपको अपने बच्चे की पसलियों पर और पेट पर लगाना होता है और हल्के हाथ से मालिश करना होता है। इस तेल को आपको दिन में 3 बार लगाना होता है, सुबह, दोपहर को, रात को, 4-4 घंटे के अंतर से। और इसको भी आपको इन दवाइयों के साथ लगातार इस्तेमाल कराना है। तो भाइयों, जिन बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो गई है, अगर वो बच्चे मेरी दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो उनको निमोनिया में पूरा फायदा मिल जाए। भाई, उन दवाइयों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। आप जब चाहें जब अपने बच्चे को निमोनिया में इन दवाइयों का प्रयोग करा सकते हैं। तो भाइयों, जिन बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो गई है तो उनको परहेज भी ज़्यादा करना है, जब उनको पूरा फायदा मिले। चावल, दही, खटाई, मठा, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को पूरी तरह से बंद करें और पानी को गर्म करके, ठंडा करके पिलाएं, जब तक उनका निमोनिया पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो भाइयों, आप अपने बच्चों को परहेज कराएं, मेरी दवा का प्रयोग कराएं, तो आपके बच्चों को निमोनिया में पूरा फायदा मिल जाए। भाइयों, जो मैंने आपको इस वीडियो में दवा दिखाई है, आपको इसी नाम की दवा लेना है। किसी और कंपनी की आप दवा ना लें, अन्यथा आपको आराम नहीं मिले। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।